दुनिया की सबसे लंबी खातून की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। तुर्किश एयरलाइंस के जरिए पहली बार जहाज का सफर तय कर लिया। दुनिया की तवील अलकामत खातून रुमैसा गिलजी ने जिंदगी में पहली बार फजाई सफर करने के लिए तुर्किश एयरलाइंस का इंतखाब किया। वो अमरीका जा रही है जहाँ वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तकरीब में शिरकत करेंगी। तुर्क खातून रुमैसा को जहाज में 6 नशिस्तों वाली खसूसी स्ट्रेचर वाली सीटें दी गईं। 25 साल रुमैसा को वेवर सिंड्रोम की वजह से स्ट्रेचर के जरिए सफर करना पड़ता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इंसान का जिस्म तेजी से बढ़ता है। रुमैसा ने इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सहाफियों को बताया कि वो पहली बार हवाई जहाज में सफर करने के लिए बहुत पुरजोश हैं और ये परवाज इन जैसे मरीजों के लिए अहम है जिन्हें स्ट्रेचर की जरूरत है। इनका कहना था कि इन्हें बहुत खुशी है कि आखिरकार उन्होंने भी जहाज का सफर तय किया। दुनिया के सबसे लंबे आदमी सुल्तान कोसीन भी तुर्किया के रहायशी हैं जिनका कद 2.51 मीटर है। दोनों ने अपनी अपनी जगह मुतअद्दिद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं।